रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर के बीच होगी रोमांचक जंग, कौन बनेगा विजेता जानिए। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अब शुरू होने वाला है, सभी टीमें इसे जीतने के लिए अपना जी जान लगा देंगी। वैसे तो अब T20 फॉर्मेट पर भी विश्व कप का आयोजन होने लगा है, लेकिन जो रोमांच वनडे में देखने को मिलता है वो शायद कहीं और नहीं। इसी बीच नए नए कीर्तिमान रचे जाएंगे जिनका आगाज पहले ही मैच से हो जाएगा जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इस बार टीम इंडिया की कप्तानी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर डाली गई है, वे पहली बार विश्व कप में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर कंगारू टीम की कमान तो पैट कमिंस के हाथ में होगी, लेकिन डेविड वॉर्नर पर टीम की काफी उम्मीदें टिकी होंगी। लेकिन आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर के बीच एक नई जंग की विश्व कप शुरू होते ही छिड़ जाएगी। टीम इंडिया का ICC विश्व कप 2023 में पहला मुकाबला ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा तब तक वनडे विश्व कप में 17 मैचों में 978 रन बना चुके हैं। साल 2019 का विश्व कप उनके लिए काफी खास गया था क्योंकि तब उनके बल्ले से शतकों की बारिश सी हो रही थी। रोहित शर्मा विश्व कप में अब तक 6 शतक और 3 अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 140 का रहा है। वे साल 2015 से विश्व कप खेल रहे हैं, यानी ये उनका तीसरा विश्व कप होने जा रहा है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा विश्व कप में अपने 1000 रन पूरे करने में महज 22 रन की दूरी पर है। डेविड वॉर्नर की बात की जाए तो वे भी साल 2015 से विश्व कप खेल रहे हैं, यानी ये उनका भी तीसरा विश्व कप होने जा रहा है। उन्होंने विश्व कप में अब तक 18 मैच खेले हैं और उनके नाम 992 रन दर्ज हैं, यानी वे भी 1000 रन पूरे करने में महज 8 रन दूर हैं। उन्होंने विश्व कप में 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 178 का है। तो रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर के बीच एक महाजंग छिड़ने वाली है। तो आपको क्या लगता है कौन विनर होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।